तो अभी मैं हूँ देवप्रयाग में और मेरे पीछे आप संगम देख ही सकते हो। उधर से आ रही मैं आप अलकनंदा, इधर से आ रही भागीरथी। हेलो जी, स्पीति में आपका स्वागत है। देखो पूरा स्पीति वाला रूट लग रहा है ना। तो ये जो नदी है ये पिंडर नदी, और उधर से जो आ रही है अलकनंदा, ये है संगम कर्णप्रयाग का। तो अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, अभी मैं केदारनाथ नहीं जा रहा हूँ। मेरे दो धाम कंप्लीट हो चुके हैं, यमुनोत्री गंगोत्री। तो भाई ये रास्ता अभी तक नहीं बना है, दो बार केदारनाथ आ चुका हूँ मैं और तीसरी बार जा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देखो दो नदियों का संगम हो रहा है, उधर से आ रही है अलकनंदा नदी और इधर से जो नीचे से जा रही है यह है बिराही गंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हरर महादेव, जय श्री महाकाल। तो अभी मैं हूँ देवप्रयाग में और मेरे पीछे आप संगम देख ही सकते हो। उधर से आ रही मैं आप अलकनंदा, इधर से आ रही भागीरथी। दोनों का यहाँ मिलन होता है और यहाँ से गंगा जी नाम पड़ता है और यहाँ से गंगा जी बहती है। तो अभी मैं यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो लास्ट ब्लॉग मैंने टिहरी के आसपास ब्लॉग एंड किया था, जो लास्ट ब्लॉग था, और अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसके पीछे कहानी है, कहानी मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। तो चलिए फटाफट से, पहले तो भूख लग रही है, कहीं जाके खाना खाते हैं, उसके बाद आपसे मैं कहानी उसके बाद मैं आपको कहानी बताता हूँ कि क्या कहानी थी। तो चलिए, जय माता दी। तो ये एक दिखा मुझे रेस्टोरेंट, यहाँ खाते खाना खाते फिर निकलते यहाँ से। भैया, और आपको व्यू दिखाता हूँ एक बार, मैं बैक साइड का कितना खूबसूरत आ रहा है। वाह, क्या है प्यारा नज़ारा है अलकनंदा। खाना आ चुका है, तो खाना आ चुका है। खाने में दाल तड़का, ये देखो आ चुकी दाल तड़का, थोड़े से प्याज मिर्च रोटी, और यहाँ पर है चटनी। तो चलो खा के ख़त्म करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो खाना हो चुका है कंप्लीट और मैंने लगा दिया मम्मी को कॉल। और खाने की जो बात करूँ तो बहुत अच्छा खाना था। काफ़ी टेस्टी खाना था। ये था दिव्या हिमालया होटल, ये देवप्रयाग संगम के थोड़ा सा आगे मिलेगा। तो यहाँ पर खाना खा के निकलता हूँ मैं। और खाना पता है 170 में भाई, बहुत ही टेस्टी खाना। 5 रोटी खा ली छोटी छोटी और दाल, और बाकी सलाद वगैरह तो उन्होंने दिए थे साथ में। तो चलो जर्नी को शुरू करते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ और केदारनाथ अभी नहीं। कीर्तिनगर क्रॉस किया है, ये मतलब कीर्तिनगर ही चल रहा है। अभी श्रीनगर पहुँचने वाला हूँ थोड़ी देर में। आ चुका हूँ मैं श्रीनगर, और देखो ट्रैफिक भाई, ट्रैफिक में गर्मी चालू हो जाती है। ठीक, तो लो जी पहुंच चुका हूँ मैं धारी देवी टेम्पल। वो देखो सामने मंदिर माँ धारी देवी का। और अभी तो पानी बहुत कम है, शायद ऊपर से रोका हुआ पानी, क्योंकि ये पूरा पानी मतलब उनके टच होके जाता हुआ है, मतलब नीचे जो पिलर वगैरह दिख रहे हैं ना वहाँ से टच होके जाता है। अभी पानी बहुत कम है, चलो थोड़ा सा रेस्ट ले यहाँ से फिर निकलता हूँ मैं आगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ, अभी मैं केदारनाथ नहीं जा रहा हूँ। मेरे दो धाम कंप्लीट हो चुके हैं, यमुनोत्री गंगोत्री। अब केदारनाथ जाना था मुझे, लेकिन मैं जा रहा हूँ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से आधे टाइम में केदारनाथ जाऊँगा। अभी मैं केदारनाथ ना होके बद्रीनाथ इसलिए जा रहा हूँ, क्योंकि बद्रीनाथ दर्शन करके जब मैं रिटर्न आऊँगा तो जब केदारनाथ की ट्रैकिंग चढ़ना उतरना होगा ना, उसके बाद में मेरे पास ज़्यादा कंडीशन नहीं बचेगी अच्छी।
तो जो केदारनाथ की ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग के बाद एक से दो दिन होगा मेरे पास रेस्ट करने का, और मैं कहीं भी पहुंच जाऊँ या तो मैं हरिद्वार देहरादून जहाँ भी पहुंच के मैं रेस्ट कर सकता हूँ। तो भाई ये रास्ता अभी तक नहीं बना है, दो बार केदारनाथ आ चुका हूँ मैं और तीसरी बार जा रहा हूँ उसके बावजूद भी अभी तक ये रोड नहीं बना है, क्योंकि ये बहुत भारी लैंडस्लाइड हुई थी। और इधर साइड देखो आप, नीचे साइड पूरी खाई है। भाई गलत जगह ट्रैफिक लगा भाई, देखो इधर से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है। माई मदर एंड वाइफ आर वेटिंग एट होम, कितनी अच्छी चीज़ लिखी हुई है गाड़ी पे। सामने वाला पढ़ के भी इमोशनल हो जाएगा कि नहीं भाई गाड़ी आराम से चलानी है, कि भाई घर वाले वेट कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा सेफ ड्राइव करें। एक अगर बाइकिंग करते हो, राइडिंग करते हो तो आपके पास हेलमेट तो होगा ही होगा, और अगर नहीं है तो भाई हेलमेट खरीद लो। ये रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी का काम चल रहा है यहाँ पर भी। एक्चुअली रुद्रप्रयाग तक जो है रेलवे स्टेशन बनाने का काम चल रहा है, और ये उसी का काम चल रहा है सब। तो इसलिए टनल भी बन रही है यहाँ पे, काफ़ी सारी टनल्स बनेगी, और इसीलिए भाई यहाँ पर जो प्रॉब्लम भी हो रही है भूस्खलन, जो कि लैंडस्लाइड वगैरह, क्योंकि टनल वगैरह बनते हैं तो भाई पहाड़ खोखले हो जाते हैं अंदर से। ये देखो ये पूरा वही काम चल रहा है, ये कई सालों से चल रहा है भाई ये काम। तो ये देखो सामने देखो टनल दिख रही है, अभी तो कवर कर दिया है, इसके नीचे से टनल उस पहाड़ के नीचे निकलेगी। ये हो चुका मैं रुद्रप्रयाग, और देखो यहाँ से दो रास्ते जाएंगे, ये जो लेफ्ट जाएगा केदारनाथ गुप्त काशी गौरीकुंड, और जो स्टेट वाला रूट है ये जाएगा सीधा बद्रीनाथ। तो मैं भी जा रहा हूँ बद्रीनाथ, और ये भाई का जो बैग सही करना होगा, तो भाई का जो बैग ये बैग को सही बांध लो थोड़ा सा खड़ा करके। सही से बन नहीं रहा है क्या वो? ढिला ही हो रहा है क्या? थोड़ी देर लगेगी। हाँ मैंने देखा आपको दो तीन बार, सही से बन नहीं रहा है ना। इधर वाले इधर झुक रहा है, तो जवान ज्यादा इधर झुक रहा है ना। रुको हो जाएगा, खोलो आप, पूरा खोलो। छोड़ो। ठीक है ना, हमारा भी जूते का जो निकल गया। हाँ अभी थोड़ा सा ख़राब है लेकिन चल जाएगा, उन्हें ज़्यादा दूर तक नहीं, बस कर्णप्रयाग तक जाना भाई को। तो दो से तीन बार मैंने देखा भाई, उनको वेट ज़्यादा हो गया, उनको बांधते नहीं आ रहा था कि किस टाइप से बांधना है। तो भाई जब मैं भी स्टार्टिंग में जब मैं आया था केदारनाथ, या फिर मैंने जो भी राइड करी तो मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि बांधते आता नहीं था और वो सब इधर उधर जाता था, ढीला हो जाता था। तो भाई ऐसा कुछ भी रहता है तो मैं तो हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले अपनी भी कंडीशन ऐसी थी। अभी भी अपन इतने वो नहीं हुए हैं मैच्योर राइडिंग में, मतलब जितना है ठीक है। हर दिन कुछ नया सीखता हूँ भाई मैं तो। तो अब जो है यहाँ से जो रास्ता है वो और भी खूबसूरत हो जाएगा, और खूबसूरत के साथ साथ थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाएगा। तो चलिए मज़े लेते हैं, और यहाँ से बद्रीनाथ बचा हुआ 156 किलोमीटर 156 किलोमीटर, और गूगल भैया बता रहे कि 6 बजे तक पहुँच जाओगे भाई। चलो
ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये रूट मुझे बहुत पसंद है। जब लास्ट टाइम भी जब आया था ना हमें, एक्चुअली जब बद्रीनाथ आया था तब तो आया था हमें, लेकिन जब मैं और उत्तराखंड राइड पे था ना तब भी यही रूट से निकल के गया था मैं। बहुत प्यारा लगता मुझे ये रूट। वाओ, रूबिकॉन भाई फेवरेट गाड़ी अपनी, थार वगैरह अपने को नहीं जमती है, रूबिकॉन भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है, महंगी भी उतनी ही है, 70 लाख के आसपास आती है, 70-72 जहाँ तक मुझे आइडिया है, 1-2 लाख ऊपर नीचे देख लेना। नगर परिषद कर्णप्रयाग, तो जी हम लोग तो अभी देखो ऊपर का जो रोड है ये नैनीताल अल्मोड़ा, नैनीताल अल्मोड़ा और कर्णप्रयाग निकल जाएगा, और जो नीचे जो रूट जाएगा ये जाएगा बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब। तो ऊपर वाला जो रूट है वो रूट से मैं आया था, तो जो ऊपर वाला जो रूट गया उस रूट से मैं आया था जब मैं और उत्तराखंड राइड पे था तब, क्योंकि यहाँ से आगे चल के कुछ किलोमीटर बाद जो है कुमाऊँ एरिया चालू हो जाता है, और अभी जो मैं चल रहा हूँ गढ़वाल एरिया में जो कि उत्तराखंड के दो पार्टीशन है। तो पहुंच चुका हूं मैं कर्णप्रयाग, और ये पूरी सिटी है कर्णप्रयाग, काफ़ी खूबसूरत है। ये देखो ब्रिज, ये ब्रिज बहुत सही लगता है, पता है ट्रैवलिंग टाइम में ये ब्रिज बहुत, और ये ऊपर देखो कबूतर उड़ रहे हैं। हमारा स्वागत कर्णप्रयाग में इस तरह का हुआ, और देखो यहाँ पर है संगम, एक संगम आपको यहाँ भी दिखाता हूँ मैं। उधर से जो नदी आ रही है वो अलकनंदा, और कर्णप्रयाग से जाते में एक बार आपको कंफर्म करके बताता हूँ कौन सी नदी है। ये पिंडर नदी है ना, और वो अलकनंदा, कर्णप्रयाग संगम है ये। ओके ठीक है, थैंक यू। तो ये जो नदी है ये पिंडर नदी, और उधर से जो आ रही है अलकनंदा, ये है संगम कर्णप्रयाग का। चलो तो यहाँ से भी प्यारी सी फोटो लेता हूँ, फिर आगे निकलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो दो नदियों का संगम हो रहा है, उधर से आ रही है अलकनंदा नदी, और इधर से जो नीचे से जा रही है यह है बिराही गंगा, और यहाँ पर गांव का नाम है बिराही और ये बिराही गंगा है, तो दोनों का संगम हो रहा है।
बहुत सारे संगम है, 5 से 6, 5 संगम तो नाम पता ही है, लेकिन और भी कई सारे संगम है जो आगे मिलते हैं। तो चलो लो जी, स्पीति में आपका स्वागत है। देखो पूरा स्पीति वाला रूट लग रहा है ना, पूरे पहाड़ों को काट के रूट बनाया भाई यहाँ पर भी। तो लास्ट टाइम जब मैं बद्रीनाथ आया था तो ये रूट मैंने दिखाया था वैसे, लेकिन वो फ़ोन से शूट था तो वाइड एंगल था नहीं, इतना कुछ अच्छा दिख नहीं रहा था उसमें, तो इस व्लॉग में देख लो अच्छे से। होती है हमारी ऑफ रोडिंग, इतने टाइम से थोड़ी छोटी छोटी ऑफ रोडिंग मिली थी, अभी थोड़ी ज़्यादा मिल रही है। ये लो वाटर क्रॉसिंग भी आ गई। और बे भाई चल चल चल, तो एक ब्रेक लिया जाए चाय के लिए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। चाय मिल जाएगी, एक चाय कर देना अदरक डाल के। ओह काफ़ी देर से चल रहा था भाई, पेट्रोल पंप जो लास्ट जब पेट्रोल डलवाया वहाँ स्टॉप लिया था, और अब देखो कितना खूबसूरत है यार।